हाय, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं जा रही हूँ ट्रिप पे अपने होम टाउन उत्तराखंड। सो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उत्तराखंड जाने के लिए। इस बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जा रही, इस बार मैं जा रही हूँ अपने मामा के साथ। मामा भी मुझे लेने आते ही होंगे और हम लोग रात को ट्रैवल कर रहे हैं ताकि हम सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाए, हमारा दिन ख़राब ना हो। अब कुछ दिन आप मेरा वहीं का व्लॉग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं डेली आपको कुछ वहाँ के लाइफस्टाइल, कुछ इंटरेस्टिंग जगह घुमाती रहूँगी और आप लोग खूब इन्जॉय करेंगे मेरा व्लॉग। तो देखते रहिए, चलिए चलते हैं। मैंने बैग पैक कर लिया है, मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी होके निकलते हुए मिलते हैं। बाय बाय। सो गाइज, मैंने गूगल मैप में लोकेशन डाल दी। हमें दिल्ली से परसोली उत्तराखंड जाना है। परसोली विलेज का नाम है और टाइम लग रहा है कार से 7 आवर्स 57 मिनट, ऑलमोस्ट 8 आवर्स 309 किलोमीटर। और रूट पे आ रहा है दिल्ली, दिल्ली से गाज़ियाबाद जाना है, गाज़ियाबाद से हापुड़ होते हुए और उसके बाद पड़ेगा अमरोहा या मुरादाबाद। दो रूट है हमारे पास। देन पड़ेगा रामनगर, उससे पहले पड़ेगा काशीपुर, दिन रामनगर, फिर उसके बाद पड़ेगा विलेज। तो गाइज, अभी हमने सीएनजी डलवाई है और अब हम निकलते हैं। सो गाइज, अभी हम पहुँचे हैं मुरादाबाद और अभी गाड़ी में सीएनजी डल रही है और हम आए हैं वॉशरूम। गाइज, अब हमारा 2.5 घंटे का रास्ता बचा है, यानी कि 111 किलोमीटर, और उसके मुताबिक हम रामनगर 6:30 बजे पहुँचेंगे और उसके आगे भी हमें पहाड़ों पर ट्रैवल करना है। सो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 8 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। हम टाइम से थोड़ा लेट चल रहे हैं, एक जगह हमें जाम मिल गया था। अब बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है आते आते। मैंने कर लिए सीट चेंज, अब हम सोएंगे। सो गाइज, हमने थोड़ा सा कुछ खा पी लिया है, पराठा और चाय, और अब हम आगे का सफ़र तय करते हैं। ये है मुरादाबाद। सो अभी थोड़ा सा और हमारा रास्ता रह गया है, फिर पहुँचेंगे हम काशीपुर, देन रामनगर, देन उससे ऊपर आगे जाएंगे। उसके बाद अभी हम रुकेंगे रामनगर। मैं हीटर ही चला देता हूँ यार, इससे तो कुछ हो नहीं रहा है। मामा, 75 किलोमीटर कितनी देर में कवर होगा? 1.5 घंटे में, अभी की स्पीड के हिसाब से। बहुत दिख रहा है अब, इसके बाद नहीं, अब नहीं दिख रहा मामा। क्यों यार इतनी ज्यादा लाइट आ रही है ना, तो उससे दिख जा रहा है। धुंध के टाइम ना बड़ी मुश्किल होती है गाड़ी चलाने में, दिक्कत धुआं यार। अब नहीं दिख रहा भाई बिल्कुल भी। मामा तू लाइट चेंज करना। मैंने वो चला दिया ना पार्किंग। हाँ, सामने वाले को दिख जाए, सामने पीछे वालों को सबको दिख जाए। मामा, अगर यहाँ पर ही अगर वो हाई बैंड होगा तो कितनी मुश्किल होगी ना किसी के लिए। तो जंगल में लेके निकल लेगा ऐसे, मतलब एकदम से कोई लेफ्ट राइट मुड़ना हो, कहीं और मुड़ना हो तो कैसे दिखेगा किसी को? कुछ भी नहीं दिख रहा। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। सो कैसे हैं आप सब? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हम पहुँच चुके हैं रामनगर और अभी बज रहे हैं सुबह के 7।
सो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम नेक्स्ट स्टॉप है हमारा तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मरचूला और यहाँ हम रुके हैं चाय पीने के लिए। तो मैं खाऊंगी चाय और फैन और बाकी लोग छोटा मोटा नाश्ता करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। अभी हमारा घर यहाँ से 1 घंटा या 1.5 घंटा दूर है, अब सीधा वहीं जाकर रुकेंगे। काफ़ी टाइम लग गया है ट्रैवल करने में, कहीं जगह जाम मिला, कहीं किसी वजह से मतलब हम रास्ते में स्टक रहे कहीं फॉग की वजह से। सो अब निकलते हैं थोड़ी देर में 5 मिनट के रेस्ट के बाद। गोल है वो मामा, आगे लो ना थोड़ा। इसकी पूंछ पे वो होता है तलवार, गोल। इधर से दिखा बेटा, आगे लेना मामा। ये देखिए, आप देख सकते हैं गोल हीरा मॉनिटर कहते हैं ना हमें। इतना बड़ा, हां ये पूंछ से मार देता, खून ही खून हो जाता है। ये देखो हीरा, ये गोल। तो गाइस हम भेरनखाल पहुंच चुके हैं और भवन डांडा ग्राम पंचायत भवन डांडा में हमारा हार्दिक स्वागत है। तो गाइज अभी हम बॉन में हैं और यहाँ हमारे कोई रिलेटिव मिले हैं जो हमारे लिए खाना बना के लाए हैं। तो आए हैं हम यहाँ, देखते हैं वो क्या हमारे लिए नाश्ता लाए हैं। तो नाश्ता करते हैं और चलते हैं। तो गाइज ये हमारे पहाड़ों का अदरक है, देखिए किस कैसा पिंकिश और सलजम जैसा लग रहा है। तो ये आ गया है रुंडाली का
बस स्टैंड यहाँ लाली गाँव है जो मेरे गांव के पड़ोस वाला है। गाइस ये डडर का स्टैंड है और यहाँ से नीचे डडर है और इसके मतलब डडर से अगर हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ मेरा गांव है नवाड़ा। और गाइस यहाँ से ऊपर है जगदेई और यहाँ से नवाड़ा का रास्ता है जो मेरा गाँव है, बट इस बार मैं अपने गाँव नहीं जा रही हूँ, तो इस बार हम जा रहे हैं परसोली अपने मम्मी के गाँव जा रही हूँ। तो गाइस ये आ गया है बगड़खेत और अब नेक्स्ट आएगा गौलीखाल मार्केट। और क्या सब्जी खेलती हो। हम पहुंच चुके हैं परसोली मतलब रेडांग पहुंच चुके हैं, वहां से अब परसोली जाएंगे। जब गिरने वाले होते हैं फिर उर्रे उर्रे बोलते हैं उर्रे देख ले अनमोल क्या बोल रहे तेरे लिए। ये रहे यहाँ के पपीते और मामा ये क्या हल्दी। ये हल्दी का खेत है और हमारी नानी के गांव में बड़े बड़े खेत हैं मतलब ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है। और जो मेरे दादा का गांव है वहाँ पर छोटे छोटे खेत हैं और सीढ़ी नुमा खेत हैं, यहाँ पर भी सीढ़ी नुमा है लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं। गाइस हम आधे रास्ते में आए हैं और यहाँ पर जो नेचुरल वाटर है वो पिया जा रहा है, ऑटोमेटिक आता रहता है 24 आवर्स। सो गाइस आज का व्लॉग इतना ही था, तो मैं भी जाते ही फ़ोन चार्ज करूँगी देन वीडियो अपलोड करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट देती रहूँ, बस नेटवर्क मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू।